ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको जरूर देखा करें वीडियो देखने से पहले। अब आइए चर्चा करेंगे हम लोग फ्राइडे के लिए, और डेट रहेगी आपकी 19 अगस्त। आज क्या रहा, मार्केट थोड़ा वीक रहा, बट उसके बाद जो सिलसिला चल रहा है, ठीक है, जो सिलसिला चल रहा है, मैं इस पर एक बार बताता हूँ। और यहाँ बिल्कुल जो महीन सी रेखा में तेजी हो रही है 17,200 के बाद, उसमें डेली ऊपर 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 क्लोज करता जा रहा है ये। और एक चीज मैं आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो दिन था, ये वाला जो दिन था, ये लास्ट डे था जब कोई प्रीवियस डे से क्लोजिंग जो थी नीचे आई थी, ठीक है, क्लोजिंग नीचे आई थी। आप ही देखिए इसको, इसके बाद से तो भैया ऐसी तेजी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है, कि हालांकि तेजी कोई इतनी खास नहीं है। इसके बाद से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन 15 दिन में क्या खास चीज है? 15 दिन में खास चीज ये है, आप इधर देखिएगा, ठीक है, और क्लोजिंग हमेशा ऊपर है। ये 641 की क्लोजिंग, ये 929 की क्लोजिंग, ये 158 की क्लोजिंग, ये 340 की क्लोजिंग। ये 340 की क्लोजिंग के बाद छोटी छोटी क्लोजिंग है जो पिछले वाले से ऊपर है। ये 345, 5 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग, ये 388, ठीक है, 40 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग, ये 382, ओहो, इसकी क्लोजिंग 388, इसकी क्लोजिंग 382, ये सिर्फ 6 पॉइंट नीचे क्लोजिंग ये वाली कैंडल में, ठीक है। इसकी क्लोजिंग 397, उससे ऊपर है। इसकी क्लोजिंग 525, इसकी क्लोजिंग 534, इसकी 569, एंड ये 698, फिर 825, 944, और आज 964। एक ये सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट, 6 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग आई है बस ये वाली। अदरवाइज यहां से, इस दिन के बाद से, सब क्लोजिंग प्रीवियस डे से क्लोजिंग से ऊपर है, 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 इसकी भी ऊपर है, इसकी भी ऊपर, ठीक है। ऐसा तो भाई शायद ही आपको कहीं पीछे कहीं चार्ट पे देखने को मिले, शायद ही कहीं देखने को मिले, कि बिना रिट्रेस आज ही निफ्टी थोड़ा रेड में ट्रेड हुआ है, ठीक है। अदरवाइज पूरी रैली में यहां से तो विदाउट रिट्रेसमेंट, जो मार्केट में गिना जाता है वो 23.6 से गिना जाता है, फिर 38.2, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, बट एटलीस्ट 23.6% का तो रिट्रेसमेंट एक अच्छा माना जाता है ट्रेंडी मार्केट के लिए, ठीक है, ये टेक्निकल की बुक्स में लिखा हो। पर ये जो रैली है विदाउट रिट्रेसमेंट है, तो विदाउट रिट्रेसमेंट है, तभी जब मैं बोलता हूँ गिरेगा तो काफी लोग बोलते हैं कि भाई एक ना एक दिन तो गिरेगा ही, ठीक है, तो ये सबको पता है कि एक ना एक दिन तो गिरेगा ही, पर जो पेशेंस है वो इतना टेस्ट हो रहा है, कि क्लोजिंग हमेशा हायर क्लोजिंग ही आ रही है। तो जब तक ये सिलसिला नहीं टूटेगा कि भाई किसी भी डे की क्लोजिंग प्रीवियस डे से नीचे ना आ रही है, तब तक पोजिशनल शॉर्ट नहीं बनता है, ठीक है, पोजिशनल शॉर्ट नहीं बनता है। ये तो भैया एक चीज इवॉल्व हो गई है, हालांकि इतना ओवरबॉट है मार्केट, बट जस्ट थिंग इज, इट इज नॉट गिविंग अप, ठीक है, इट इज नॉट गिविंग अप। मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखिए, ठीक है, जो मेरी 10 EMA की वीडियो है उसके हिसाब से इसका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11, 12, 13, 14, 14 डेज हो गए हैं, जो कि एवरेज डे में ये इसको रीटेस्ट कर लेता है। एवरेज डे 14 डेज के अंदर
जो निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स होते हैं वो अपने 10 ईएमए को रिटेस्ट कर लेते हैं। आज वहां उसकी तरफ इसने मूव भी नहीं किया, ठीक है, तो ये 17 दिन ले सकता है भाई, 17 दिन ले सकता है, ठीक है, तो हो सकता है और ऐसे करे, बट आएगा तो इसको जरूर छूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ये भी थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ तक चला जाएगा, 17,700 तक चला जाएगा, ठीक है, पर ये टच तो होना है। अब बात आती है भैया, तेजी तेजी करना है तो रिस्की, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, ये बिना सीट बेल्ट के इसमें तेजी में बैठ जाना यहाँ पे रिस्की है, करना शॉर्ट ही है, बट जो मैंने बोला है आपको उस चीज पे ध्यान रखिए, ठीक है, या तो जो मैं ट्रेड दूं आप उनको कीजिए, वहां पे टारगेट 1 टारगेट 2 के आसपास निफ्टी जा रहा है, हमने 17,000 कितना 800 की पुट्स होगी इसको लिया था, 160 के लगभग गई है, 120 की के आसपास जिसको ट्रेड किया था, ठीक है, या तो आप वो लीजिए जो मैं देता हूँ, क्योंकि वो मैं उस जोन से देता हूँ जहां से निफ्टी को कम से कम 100 पॉइंट के आसपास गिरना है, ठीक है, उसका वो आवरली स्टॉप लॉस टेक डेली स्टॉप लॉस टेक लगा के तब मैं वहां से शॉर्ट देता हूँ, वहां से वो जरूर आपका मिले, या फिर वेट कीजिए कोई क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे की तरफ, तब एक शॉर्ट अटेम्प्ट बनता है, ठीक है, जब ये क्लोजिंग ऊपर है इसके नीचे की तरफ क्लोजिंग है, क्योंकि यहाँ पे बाय कर भाई मेरे मुंह से तो नहीं निकलेगा कि बाय कर लीजिए, ठीक है, आप भी ये सुन सुन के थक गए होंगे, मैं भी बोल बोल के थक गया, सेटअप वैसा ही बैठा है, मार्केट वैसा ही बैठा है, 10 पॉइंट इसने ऊपर क्लोज कर दिया है, और यहाँ से और कितने आप बोलोगे भैया 18,000 जाने वाला, जिसको दिख रहा है बाय कर लीजिए, ये इसके इंतजार में नहीं, मैं इंतजार में हूं क्योंकि मुझे पता है पुट साइड पैसा अच्छा बनेगा, घात लगा के बैठा हुआ हूं और वहां पे ट्रेड दे भी दूंगा मैं, इंतजार आपसे भी यही है कि पेशेंस रखिए, जो पैसा पुट में बनेगा वो कॉल में नहीं बनेगा, हालांकि मार्केट ने पिछले 7-8 दिन से खींच रखा है, ठीक है, ओए वीडियो मत करो, और ये देख इस इनके अंदर चले जा रहा है ऊपर नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, कम से कम इसको यहां तक तो आना चाहिए सबसे पहले, ये ठीक है, ये है 17,550, और बहुत स्टीप फॉल होता है आता है ऐसे मार्केट में, और उसके बाद एक ये बड़ा महत्वपूर्ण लेवल है, कितना निकल रहा है 17,450, 17,400, ठीक है, ये दो लेवल जरूर रिटेस्ट होंगे बहुत ही जल्द, ठीक है, तेजी हो रही है दोस्तों, होने दो, आप पुट का ट्रेड का इंतजार करो, ठीक है, पुट के ट्रेड का इंतजार करो, पैसा पुट के ट्रेड में 1 या 2 दिन में इतना बन जाएगा जितना शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं 15,600 से 17,600 से बाय करता, 17,800 खड़ा है, 900 खड़ा है, 900-950 खड़ा है, पैसा बनता बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बट वो कोई श्योर शॉट चीज नहीं है, ये गिरना श्योर शॉट, ठीक है, ये गिरना श्योर शॉट है, इसका इंतजार कीजिए, इसका सेटअप टूटे, ठीक है, इसको मार्क करके रखिए, अभी जैसे ये आज इसने जहां पे सपोर्ट लिया है, ठीक है, ये जो लो बना है इस लो को मार्क करके रखिए, प्रीवियस डे का जो लो है, जैसे ही ये इंट्राडे बेसिस में टूटता है आपको शॉर्ट की गाड़ी में बैठ जाना है पोजिशनल, ठीक है, और अब पोजिशनल जो शॉर्ट बैठ सेप्टेम्बर मंथ की पुट में चले जाइए, बस
क्योंकि ये ऐसी तेजी सस्टेन नहीं होती है। खींचने को खींच दे, यहाँ तक खींच दे, कोई जानता नहीं, बट बहुत स्टीप फॉल होते हैं। उसी के इंतजार में रहिए, उसी में अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। ये है आपका निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आज तो इसने ब्रेकआउट ही दे दिया, जो ये मैंने खींची हुई है। चलिए इसका मैं अलग से एनालिसिस करूंगा, फिलहाल निफ्टी का ही मैं पोस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को निकलना है कहीं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इसका भी 20 EMA टच हुए, काफी टाइम हो गया है, ये भी बहुत जल्द हो जाएगा इसका काम।